हेलो स्टूडेंट मैं मिथिलेश सतनामी अग्रसेन निजी आई रायगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ का साफ कैलकुलेशन एंड साइंस का, एं का प्रशिक्षण अधिकारी हूँ आज मैं ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए क्षेत्रमिति टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले आपका है क्षत्रमित्ति क्षेत्रवृति को इंग्लिश में बोलते हैं आपका मैंसुरेशन तो मैंसुरेशन का आपका परिचय इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या होता है तो क्षेत्रमिति ज्यामिति का वह विषय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत लंबाई क्षेत्रफल आयतन आयतन के गणनाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है आपका क्षेत्रमिति कहलाता है जैसे आपका भूमि का क्षेत्रफल निकालना धातु की चादर का क्षेत्रफल याद करना फर्श का क्षेत्रफल याद करना इत्यादि हमारा अगला टॉपिक है क्षेत्रफल क्षेत्रफल इंग्लिश से बोलते हैं एरिया 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 तो क्या होता है समतल आकृति की सीमा रेखाओं से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं समतल आकृति की सीमा रेखाओं से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल या आपका एरिया कहते हैं क्षेत्रफल की इकाई होता है आपका वर्ग जैसे वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मिलीमीटर अगर क्वेश्चन में आपका मान जैसे आपका सेंटीमीटर में दिया है और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर अगर क्वेश्चन आपका मीटर में है तो हम लोग उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे आपका वर्ग मीटर अगर आपका क्वेश्चन मिलीमीटर में है तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं लिखेंगे अपना वर्ग मिलीमीटर हमारा अगला टॉपिक है आपका परिमाप परिमाप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरीमीटर किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं के योगफल को किसी समतल आकृति के सभी भुजाओं के योगफल को परिमाप या आपका परिमिति कहते हैं जैसे किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः आपका चार सेंटीमीटर पाँच सेंटीमीटर व आपका आठ सेंटीमीटर है त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः आपका चार सेंटीमीटर पाँच सेंटीमीटर व आपका आठ सेंटीमीटर है एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें इसकी भुजा आपका एक भुजा चार सेंटीमीटर दूसरी भुजा पाँच सेंटीमीटर और तीसरी भुजा आपका आठ सेंटीमीटर तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग तीनों भुजाओं का योग तो इस त्रिभुज की तीन भूजा है चार सेंटीमीटर पाँच सेंटीमीटर आठ सेंटीमीटर तो चार सेंटीमीटर और पाँच सेंटीमीटर आठ सेंटीमीटर तीनों को योग कर देंगे तो चार प्लस पाँच प्लस, प्लस, प्लस आठ तो तीनों को जोड़ेंगे तो आठ पाँच तेरह तेरह और चार आपका सत्रह सत्रह आपका सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा हमारा अगला टॉपिक है आपका परिमाप का अध्ययन किया जाता है द्वीय आकृति के अंतर्गत त्रिभुज आयत वर्ग चतुर्भुज वृत्त आदि आकृतियां आती हैं जो द्वीमी आकृति होती है उसके अंतर्गत आपका ये क्षेत्रफल परिमाप उनका अध्ययन किया जाता है और दुवी आकृति के अंतर्गत आपका त्रिभुज आयत, वर्ग चतुर्भुज वृत्त आदि आकृतियां आती हैं तो पहला हमारा है आपका त्रिभुज त्रिभुज ट्रायंगल, ट्रायंगल, त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। तो आपका त्रिभुज किसे कहते हैं समतल सतह पर तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र समतल सतह पर तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं त्रिभुज जो आपका एक त्रिभुज का चित्र बनाया हूँ जिसमें तीन भुजा है ए बी सी इसमें बी से इसका आधार इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसमें ये जो बीच वाला पार्ट्स है ये से यहां तक उसकी आपका ऊंचाई है ऊंचाई है त्रिभुज आपके चार प्रकार के होते हैं त्रिभुज आपका चार प्रकार के त्रिभुज होते हैं त्रिभुज चार प्रकार के होते हैं समबाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज सम त्रिभुज और आपका समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज त्रिभुज तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज केवल त्रिभुज के बारे में त्रिभुज आपका ट्रायंगल ट्रायंगल जैसे आपका एक चित्र बना हुआ है एक त्रिभुज है ए बी सी ए बी सी में बी सी इसका आधार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस और बेस को दर्शाते हैं हम लोग सांकेतिक में ए इसमें आपका पूरा पार्ट जो आपका ये वाला पार्ट्स है इसका आपका ऊंचाई ऊंचाई की इंग्लिश से बोलते हैं हाइट और हाइट को हम लोग संकेतिक में दर्शाते हैं आपका एच। इस त्रिभुज के लिए आपका सिंपल त्रिभुज के लिए दो आपका फार्मूला बनते हैं दो फार्मूला बनते हैं पहला आपका क्षेत्रफल और दूसरा उसका परिमाप का परिमाप तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का एक बटे दो गुणित आधार गुणित आपका ऊंचाई या संकेतिक में लिखेंगे तो ए बराबर एक बटे दो आधार को दर्शाते हैं ए से और ऊंचाई को आपका एस से तो ए बराबर हो जाएगा एक बटे दो गुणित ए गुणित एच त्रिभुज का आपका परिमाप तीनों भुजाओं का योग परिमाप को बोलते हैं पैरीमीटर पैरीमीटर को में दर्शाते हैं आपका पी से तो पी बराबर तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं तो ए प्लस बी प्लस आपका सी का परिमाप अब जैसे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है एग्जाम्पल लिखा हुआ है कुछ लिखा हूँ जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार आठ सेंटीमीटर तथा ऊँचाई आपका दस सेंटीमीटर है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका ज्ञात कीजिए जिसका आधार आपका आठ सेंटीमीटर तथा ऊँचाई आपका दस सेंटीमीटर है एक त्रिभुज बनाया हुआ हूँ जिसमें आपका ये उसका आधार है ये वाली वो वा आपका आठ सेंटीमीटर है और इसकी पूरा आपका ये जो ऊंचाई है ये आपका दस सेंटीमीटर है तो इसमें क्षेत्रफल याद करना है तो दिया है लिख लेते हैं दिया है त्रिभुज की आधार आठ सेंटीमीटर त्रिभुज की ऊंचाई आपका दस सेंटीमीटर और क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटे दो गुड़ित आधार गुणित आपका ऊंचाई बराबर का ठीक सीधे बराबर लिखेंगे एक बटे दो तो एक बटे दो गुड़ा है तो गुड़ा इसमें आधार का मान आठ है तो आठ फिर गुड़ा ऊंचाई के मान दस है तो दस अब इसको हल करेंगे तो ये आपका दो एक कम दो और दो चौके आठ आठ दो से कट जाएगा तो यहाँ आएगा चार तो गुणा करेंगे तो दस चौके आपका चालीस चालीस सेंटीमीटर चालीस सेंटीमीटर लेकिन क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है आपका वर्ग होता है इसलिए आपका चालीस वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा अगला हमारा एग्जाम्पल है अगला हमारा एग्जाम्पल है जैसे एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दस सेंटीमीटर बारह सेंटीमीटर वो आपका पंद्रह सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी इस ए बी सी में त्रिभुज की एक भुजा ये दस सेंटीमीटर दूसरी भुजा बारह सेंटीमीटर और तीसरी भुजा आपका पंद्रह सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो दिया है त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः लिख लेंगे दस सेंटीमीटर बारह सेंटीमीटर व आपका पंद्रह सेंटीमीटर तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना हैं परिमाप बराबर आपका क्वेश्चन मार्क त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग तो तीनों भुजाओं का योग तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तीन भुजा है आपका दस सेंटीमीटर बारह सेंटीमीटर और पंद्रह सेंटीमीटर इन तीनों को जोड़ेंगे तो पाँच और दो सात और जीरो का सात एक दो और एक तीन सैंतीस आपका सेंटीमीटर त्रिभुज का आपका परिमाप निकल जाएंगे जैसे एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल के लिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पैंसठ वर्ग सेंटीमीटर है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पैंसठ वर्ग सेंटीमीटर है है तथा इसकी आधार दस सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पैंसठ वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी आधार दस सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए एक त्रिभुज है जिसमें उसका क्षेत्रफल का मान दिया है पैंसठ वर्ग सेंटीमीटर उसका आधार का मान दिया है दस सेंटीमीटर अब दिया हमें लिखेंगे दिया है जो अपने को क्या क्या दिया है क्वेश्चन उसको तो दिया हमें लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है पैंसठ वर्ग सेंटीमीटर आधार दिया है आपका दस सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है आपका क्वेश्चन मार्क ऊंचाई याद करना है इस त्रिभुज का कितनी ऊंचाई है तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटे दो गुड़ित आधार गुड़ित ऊँचाई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना दिया है पैंसठ तो क्षेत्रफल के नीचे हम लिखेंगे पैंसठ फिर बराबर एक बटे दो गुड़ित आधार का मान दिया है दस तो दस गुड़ित ऊँचाई याद है ऊंचाई को संगस में दर्शाते हैं हम लोग एच से तो एच अब इसको हल करेंगे तो दो एक कम दो और दो पंचे दस ये दस दो से कट जाएगा पाँच बार में तो दो पंचे दस अब इसको हल करेंगे तो ये पैंसठ बराबर तीनों का एक और पाँच और एच का गुणा करेंगे तो पाँच गुड़ित एच तो पाँच एच गुड़ित एक तो पाँच एच तो पैंसठ बराबर आपका पांच गुणित एच ये एच आपका ऊंचाई है तो ऊंचाई याद करना है तो एच बराबर करेंगे तो पांच पैंसठ के बटे में चला जाएगा तो एच बराबर हो जाएगा पैंसठ बटे आपका पांच अब इसको भाग करेंगे तो पांच एकम पांच पांच एकम पांच एक बचा तो ये पंद्रह हुआ पांच दिया पंद्रह क्योंकि आपका तेरह पंचे पैंसठ होता है तो एज बराबर आपका तेरह तो एज बराबर आपका तेरह सेंटीमीटर मतलब त्रिभुज की ऊंचाई आपका तेरह सेंटीमीटर त्रिभुज की ऊंचाई होगा आपका तेरह सेंटीमीटर